हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू आर प्रीवियस टॉपिक दैट इज नेटवर्क टॉपोलॉजीज हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिंग टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी एंड बस टॉपोलॉजी पे नाउ दी नेक्स्ट टॉपोलॉजी इज़ ट्री टॉपोलॉजी आज की इस वीडियो में हम तीन टॉपोलॉजी कवर करेंगे फर्स्ट वन इज़ ट्री टॉपोलॉजी मैश टॉपोलॉजी एंड लास्ट वन इज़ हाइब्रिड टॉपोलॉजी इन तीन टॉपोलॉजीज़ के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, जो हमारे पास है ट्री टॉपोलॉजी देखिए ट्री टॉपोलॉजी क्या होती है ट्री टॉपोलॉजी कम्बाइंस द कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ बस टॉपोलॉजी एंड द स्टार दोपोलॉजी जो ट्री टॉपोलॉजी होगी वो किसकी कॉम्बिनेशन uh, से बनी है कैरेक्टरस्टिक्स मतलब ट्री टॉपोलॉजी में बस टॉपोलॉजी की और स्टार टॉपोलॉजी की कैरेक्टरस्टिक्स कंबाइन करके डाली गई हैं ठीक है इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ट्री टॉपोलॉजी फॉर्म होती है अ ट्री टॉपोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल दी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन हेरेरिकल फैशन ट्री टॉपोलॉजी में ट्री टॉपोलॉजी में क्या होता है जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है जिसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे से हरेरिकल फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं ठीक है द टॉप मोस्ट नोड इन ट्री टॉपोलॉजी इज नॉन एज रूट नोड जो सबसे टॉप नोड होता है उसको कहते हैं रूट नोड ठीक है जो नोट्स होते हैं ना जिसके द्वारा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे जो टॉप मोस्ट नोड होगा उसको कहेंगे रूट नोट एंड ऑल अदर नोट्स आर दी डिजेंडेंट्स ऑफ द रूट नोट बाकी जो नोट्स होंगे वो क्या होंगे उस पर डिजेंडेंट्स होंगी मीन्स उसके अंदर इंटरकनेक्टेड होंगे देयर इज़ ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोट्स फॉर द डाटा ट्रांसमिशन इसमें सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा एक ही रास्ता होगा नोट्स में डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए दस इट फॉर्म्स अ पेरेंट चाइल्ड हरेर की ये क्या मानी गई है पेरेंट चाइल्ड हरेर की बनाती है फॉर्म करती है ठीक है सो ट्री टॉपोलॉजी हमारी ये थी इस तरह से कुछ ट्री टॉपोलॉजी का स्ट्रक्चर होता है ठीक है देखिए इसको कहते हैं टॉप मोस्ट नोट ठीक है जिसके द्वारा ये जो कनेक्टेड है हमारे जो कंप्यूटर से हमारे कनेक्टेड हैं ठीक है और ये किसकी फॉर्म किसकी शेप दे रहा है एक ट्री की शेप दे रहा है जैसे कि ट्री में होता है ना ऐसे क्या कहते हैं आ, उसका जो पत्तियाँ होती हैं जो उसकी आ, निक, आ, उसी तरह से जो ये सेंट्रल वाला कंप्यूटर है वो एक टॉप मोस्ट नोड का काम कर रहा है और बाकी जो है अदर नोड जिससे कनेक्टेड हैं एज अ ब्रांच वर्क कर रही हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास बात आती है मैश टॉपोलॉजी देखिए मैश टॉपोलॉजी क्या होता है मैश टॉपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस डिडेंडेंट कनेक्शंस देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्राम वन कम्प्यूटर टू अनदर कम्प्यूटर मैथ टॉपोलोजी में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लिए बहुत सारे पाथ्स की ज़रूरत होती है बहुत सारे पाथस होते हैं इट डज़ नाट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कम्प्यूटर विच एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन मैश टॉपोलॉजी में ऐसा सच ना ही कोई स्विच होता है ना ही कोई हब होता है ना ही कोई सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि उनको एक सेंट्रल पॉइंट की तरह वर्क कर सके कम्युनिकेट कर सके ऐसा कुछ भी नहीं होता मैश टॉपोलॉजी में द इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ द मैश टॉपोलॉजी जो इंटरनेट है मैश टॉपोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है मैश टॉपोलॉजी इज़ मेनली यूज फॉर वैन वेयर कम्युनिकेशन फेलियर्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क मैश टॉपोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल है मैश टॉपोलॉजी इज़ मेनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क जो मैश टॉपोलॉजी है वो वायरलेस नेटवर्क के लिए ज़्यादा काम करती है मैश टॉपोलॉजी कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग दी फॉर्मूला इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैश टॉपोलॉजी बनाई जाती है सो so, अब देखते हैं मैश टॉपोलॉजी कितनी टाइप की होती है मैश टॉपोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज फर्स्ट वन इज़ फुली कनेक्टेड मैश टॉपोलॉजी एंड अदर वन इज पार्शली कनेक्टेड मैश टॉपोलॉजी सबसे पहले बात करते हैं फुली मैश टॉपोलॉजी इन फुल मैश टॉपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल द कंप्यूटर्स अवेलेबल इन दी नेटवर्क। फुल मैश टॉपोलॉजी में क्या होता है हर एक कंप्यूटर कनेक्टेड होता है जितने भी नेटवर्क्स uh, और जितने भी कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं उस टॉपोलॉजी के अंदर उन सब के साथ ठीक है अब बात आती है पार्शल मैच मैश टॉपोलॉजी पार्शल टॉपोलॉजी में क्या होता है इन अ पार्शियल मैश टॉपोलॉजी नॉट ऑल बट सर्टेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू दोज कंप्यूटर्स विच दे कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली मतलब इसमें सारे कंप्यूटर नहीं होते देखो फुल मैश में तो क्या है सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते थे लेकिन पार्शियल मैश में क्या है सर्टेन कंप्यूटर मतलब कुछ एक कंप्यूटर जो पहले से ही डिसाइडेड किए जाए किए गए होंगे वही कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन कंप्यूटर से जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं ओके okay? इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है मैश टॉपोलॉजी का ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ओके नाउ दी नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड टॉपोलॉजी देखिए हाइब्रिड टॉपोलॉजी क्या होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टॉपोलॉजीज़ इज़ नॉन एज़ हाइब्रिड टॉपोलॉजी हमारे पास जितनी भी टॉपोलॉजीज़ अवेलेबल हैं बस टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी रिंग टॉपोलॉजी मैश टॉपोलॉजी ठीक है तो जितनी भी हमारे हमने अभी प्रीवियस टॉपोलॉजी के बारे में पढ़ा है उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या है हाइब्रिड टॉपोलॉजी कहलाता है अ हाइब्रिड टॉपोलॉजी इज़ अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स टू ट्रांसफर दी डाटा जो हाइब्रिड टॉपोलॉजी है वो कनेक्शन है किसके बीच का कनेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स का और नोड्स का जो कि डाटा को ट्रांसफर करते हैं वैन टू और मोर डिफरेंट टॉपोलॉजीज आर कम्बाइंड टूगेदर इज़ टर्म एज हाइब्रिड टॉपोलॉजी जब दो या दो से ज़्यादा टॉपोलॉजी बन जाती हैं या मिल जाती हैं कंबाइन हो जाती हैं उसको क्या जा, कहा जाता है हाइब्रिड टॉपोलॉजी एंड इफ सिमिलर टॉपोलॉजीज़ आर कनेक्टेड विद ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टॉपोलॉजी फॉर एग्जांपल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रिंग टॉपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ आई बैंक एंड बस टॉपोलॉजी इन अनदर ब्रांच ऑफ आई बैंक कनेक्टिंग दीज टू टॉपोलॉजीज़ विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टॉपोलॉजी जो हमारी हाइब्रिड टॉपोलॉजी होती है वो कुछ इस तरह की फॉर्म करती है इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि देखिए इसमें सभी आ, तरह की टॉपोलॉजीज़ का बिक्सअप है देखिए जैसे ये बस टॉपोलॉजी हो गई ये मैश टॉपोलॉजी हो गई ये ट्री टोपोलॉजी हो गई तो इन मतलब जितनी भी टॉपोलॉजीज़ होती हैं उनको कंबाइन करके हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाई जाती है उनको हम उसको हम क्या कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं तो ये थी हमारी कुछ और तीन टॉपोलॉजीज़ तो टॉपोलॉजी नेटवर्क टॉपोलॉजीज़ का जो टॉपिक है वो यहाँ कवर कवरअप होता है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ सो थैंक यू सो मच गाइज